Fakiha Pragya. So welcome to the channel, bache. Welcome to Vedantu Neat Made Easy, and I'm your master teacher Ambika Sharma, and today we are going to start a new chapter, and that is biotechnology applications, right? So humne biotechnology principles and processes ko complete kar liya hai. Ab un principles and processes ke baad jo next part aa jata hai, wo aa jata hai biotech ke applications ka, ki jitni cheeze humne padhi wo apply kaise kaise ho sakti hai, right? So ye wala chapter aaj hum start kar rahe hain, aur here we go, शुरू करते हैं आज का चैप्टर. सो ये वीडियो जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी सही है. जो नीट के ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो है ही, डेफिनेटली. ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो क्या टॉपिक है हमारे पास? हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. बच्चे अभी तक हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर किया, उस पूरे चैप्टर की समरी तुम लोग देख सकते हो. उस बायोटेक के चैप्टर में हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था, हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर टू कोर टेक्निक्स, यस और नो, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने दैट देयर आर टू कोर टेक्निक्स, वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. एक है तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है तुम्हारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. और उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ा था. और ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस की डिस्कवरी हुई, प्लस इनको इन विट्रो कैसे यूज किया जाता है वो देखा गया. दूसरी चीज जो हमने की गई थी, दूसरी चीज जो थी वो ये था प्लाज्मिड की डिस्कवरी, राइट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की डिस्कवरी, जिसको हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते थे और उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते थे, अपने जीन को ट्रांसफर कर सकते थे. ठीक है, जीन को ट्रांसफर कर सकते थे. हाय आ रहे बच्चे, ठीक है. सो ये तुम देख सकते हो, टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये सब डिस्कस्ड है. ये स्टेप्स हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे. पीसीआर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो कोई बच्चा इसकी प्लेलिस्ट देखना चाहता है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक पूरी लाइब्रेरी की पीडीएफ मिल जाएगी, तुम्हें वहां क्लिक करना है, तुम्हें डायरेक्टली सेशन लिंक, उसका पीडीएफ, वी क्विज, सब अवेलेबल हो जाएगा. फाइन, सब अवेलेबल हो जाएगा. सो इसीलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बच्चे अब हमने बायोटेक में इतनी मेहनत की, हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, इवन उसको उसके प्योरिफाइड फॉर्म में निकालने के लिए, प्लस उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहीं और इंसर्ट करने में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इजंट इट? या क्या ये कोशिशें की जा रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कोई भी, लेट्स से तुम्हें किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से डिजीज रेजिस्टेंट जीन, राइट, तुम्हें पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर तुम्हें उसको स्पेसिफिक जगह पे कट करना है, प्योरिफाइड फॉर्म में आइसोलेट करना है, और उसके बाद तुमको उसको वीकल डीएनए में जोड़ना है, राइट, वीकल डीएनए में जोड़ना है, ठीक है, ताकि तुम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सको, जिसको तुम होस्ट में इंसर्ट कर सको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? येस और नो? येस और नो? क्यों कर रहे हैं हम लोग इतनी मेहनत? जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की, बताना जरा, क्यों कर रहे हैं हम लोग इतनी मेहनत? व्हाट इज द नीड? व्हाट डू वी नीड? जल्दी जल्दी, क्या जरूरत है हमें? फटाफट बताओ. टेल मी, हाँ, एक्सेस प्रोडक्शन, डिजायर्ड प्रोडक्ट, और देखो, हमने सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा है, वी नो दैट वी हैव द डीएनए, और वो डीएनए क्या करता है, वो बनाता है एमआरएनए, और उस एमआरएनए से क्या बनता है बच्चे, उस एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स. फाइन, डीएनए बनाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाने वाला है, एमआरएनए बनाने वाला है प्रोटीन. ये है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी जीन, कोई भी डीएनए प्रोटीन बना के खुद को एक्सप्रेस करता है. सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सो उसका अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट हमारा क्यों
क्या चाहिए हमें, हमें ये डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए, राइट right? हमें ये डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए. ये प्रोटीन माइट बी कोई एंजाइम हो, है ना, कोई एंजाइम हो जो हमारी किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे, या वन वे और अनदर वे हमें ये चीज चाहिए जो हमारे काम आने वाली है. सो अगर हम लोग बायोटेक पूरा प्रिंसिपल्स उसके पढ़ रहे हैं तो हमारा बस एक मोटो है कि हमें हमारी डिजायर्ड चीज मिले और उसको वन वे और अनदर वे हम लोग यूज कर सके. ये कोई ड्रग भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाए, ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि मान लो अगर मेरे क्रॉप को कोई पेस्ट इन्फेक्ट कर रहा है तो उससे लड़े. समझ रहे हो. सो इट कैन बी इंसेक्टिसाइडल, इट कैन बी पेस्टिसाइड, इट कैन बी एनी एंजाइम, इट कैन बी एनी ड्रग, कुछ भी हो सकता है. समझ रहे हो. सो दिस इज आवर डिजायरेबल प्रोडक्ट दैट वी नीड, इसकी हमें जरूरत है. सो ये चैप्टर में इसी के अराउंड घूमता है कि किस तरह से हमने इन प्रिंसिपल्स को यूज कर करके कैसी कैसी चीजें बनाई, राइट right? और ऐसी कौन सी चीजें बनाई जो हमारे लिए ह्यूमन के बेनिफिट के लिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग सेल्फिश हैं, हमें देखना तो अपना ही है, जो हमारे काम की चीज है हमें वही बनानी है. समझ रहे हो. सो सबसे पहले हम लोग इसका रोल देखते हैं बच्चे एग्रीकल्चर में. हम लोग इसका बहुत ज्यादा रोल देखते हैं एग्रीकल्चर में, जहां हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट पेस्ट प्लांट्स बनाते हैं. ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी बनते हैं कि जिनसे हमें कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, कुछ यूजफुल केमिकल्स मिल जाते हैं, ऐसे प्लांट्स भी बनते हैं. Are you getting it? So, ये सारी चीजें चलती हैं. So, overall तुम देख सकते हो बायोटेक का रोल थेरापेटिक्स में, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह हमें बनानी है, बायोटेक को हम लोग किसी भी डिजीज के अर्ली डायग्नोस के लिए भी यूज करते हैं, राइट. बायोटेक को हम लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी, जैसे तुम्हें पीसीआर का एग्जाम्पल याद होगा, लास्ट सेशन में हमने पीसीआर की बात की थी. तो पीसीआर की मदद से अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कोई पैथोजन का डीएनए बहुत माइन्यूट अमाउंट में है तो पीसीआर की मदद से हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पैथोजेनिक डीएनए, और उस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से पहले हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना के, जीएमओस यार, जीएमओस प्रोसेस्ड फूड बना के, बायो रेमिडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, हर जगह इसका यूज किया जा सकता है. फाइन, इसका यूज किया जा सकता है. फाइन बच्चे. सो अब ये एनसीईआरटी ही है तुम्हारी, सो ऑब्वियसली इसको डिस्कस करेंगे ही हम लोग. सो सबसे पहले बात करेंगे क्रिटिकल रिसर्च एरियाज की बायोटेक में, कि क्या चल रहा है भाई. सो यहां पर तीन मेन रिसर्च एरियाज है. कितने है? आ जाओ इधर. सो एनसीईआरटी दीदी ने लिखा है तो याद तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, इसको फोकस तो करना पड़ेगा. सो एनसीईआरटी दीदी कहती है कि बायोटेक के मेन तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज आ जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? बायोटेक के मेन तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज आ जाते हैं. सबसे पहला, ये प्रोवाइड करती है बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्योर एंजाइम. अब इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो. इसका मतलब यह है, अब इसको जैसे लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई बैक्टीरिया था, तुमने उस बैक्टीरिया में अपना कोई डिजायर्ड जीन, लेट्स से ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, या कोई भी और एक्स वाई जीन को तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया. अब ऑब्वियसली मेरा ये जो बैक्टीरिया है, मेरा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नाउ इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, नाउ इट्स अ बेटर बैक्टीरिया, नाउ इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, बेटर चीज है ये. समझ रहे हो. और क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो बेटर प्रोटीन है. मैं उस प्रोटीन को एज एन एंजाइम यूज कर सकती हूँ, मैं उस प्रोटीन को एज सच यूज कर सकती हूँ. होता है ये. सो इसीलिए हमने कहा है कि जो रिसर्च एरियाज की हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. कि हम लोगों ने क्या करना है, हमें थोड़े बेहतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, राइट, जिनमें से, या फिर हमें कोई उनसे बेटर एंजाइम चाहिए, ठीक है. बैक्टीरिया तो आ गया, बैक्टीरिया में तुमने डीएनए भी इंसर्ट कर दिया. अरे भाई, अब हमें कहीं तो उसको ग्रो करना पड़ेगा, राइट. अरवा बच्चे, फिजा फकीहा,
हमें उसको कहीं तो ग्रो करना पड़ेगा जहां हम उसको ऑप्टिमल कंडीशन, बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, ताकि वो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर सके, राइट, ताकि वो वहां पे वो पर्टिकुलर प्रोटीन को बना सके. सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या आ जाता है, ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना. किसको क्रिएट करना, ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना. और उससे क्या होगा, हमारा वो कैटलिस्ट है उसको एक प्रॉपर जगह मिलेगी टू एक्ट. फाइन, टू एक्ट. समझ में आया, समझ में आया. फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो पहले कल भी डिस्कस किया है. हमें पता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में वी आर डूइंग द सेपरेशन एंड द प्योरिफिकेशन. जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है, उसकी सेपरेशन, उसकी प्योरिफिकेशन, राइट, ये की जाएगी. सो ये है तीन मेन क्रिटिकल रिसर्च एरिया. इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया. जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड अप, फटाफट बताओ. फाइन, नाइस. सो तुम्हें बता दिया मैंने ऑलरेडी, एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशंस है, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एनवायरमेंट में. सो वन बाय वन उसकी हम लोग एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं. जल्दी ही 3:30 PM वाले स्लॉट में ना हम लोग स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बच्चे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, तो तुम्हें वहाँ पर भी आइडिया लगेगा. उस चैप्टर के साथ रिलेट करके भी जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसे कैसे तरीके हैं, किस किस तरह से हाइब्रिड्स बने, राइट. पहले मतलब कई जगहों पर, जैसे इंडिया और चाइना की बात कर लो. सो इंडिया और चाइना में जो हमारा एनिमल्स का पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, राइट. ओवरऑल वर्ल्ड में देखोगे तो मतलब अपने पास चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, लेट्स से एनिमल्स ज़्यादा है हमारे पास. लेकिन अगर मैं मिल्क की प्रोडक्शन की बात करूँ, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, अपने पास इतने ज़्यादा नहीं है. जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं, राइट, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ तुम्हें. तो क्यों ऐसा, क्यों मतलब हमारे पास क्वान्टिटी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. क्वान्टिटी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी अपने पास बहुत कम है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो उस चैप्टर में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे विद टाइम इम्प्रूवमेंट हुई. क्रॉप प्रोडक्शन पहले कितनी कम थी, राइट, पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी. सो भाई उस चीज़ को, नीड्स को मीट आउट करना था. ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आया श्रीनिवास, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आया हमारे पास. सो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एक बार ज़रा ये बताओ, फिर आगे चलते हैं. हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्विक यार, क्विक, आफ्टर द सेशन कमेंट करना, ठीक है, आफ्टर द सेशन कमेंट करना कि कौन कौन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है, और इसकी डेफिनेशन भी एक बार लिखना, ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो मैंने तुम्हें क्या कहा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ती गई, कंपैरेटिवली ईल्ड कम थी, कंपैरेटिवली खाने की प्रोडक्शन, वो रिसोर्सेस कम थे, तो उसको बढ़ाना भी जरूरी था. फिर आई ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति भी कहते हैं. एंड यस, यू आर राइट, एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बिल्कुल चाहिए. तो इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने पेस्टिसाइड्स को यूज किया, फर्टिलाइजर्स को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया, ताकि प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकें. क्या बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकें, ठीक है. और नो डाउट अपने आप देखो, प्रोडक्शन तो बढ़ी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, बढ़ी, काफी हद तक बढ़ी, लेकिन बच्चे वो स्टिल इतनी ज्यादा नहीं थी कि नीड्स को मीट आउट करे, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट एक्सेस में जब केमिकल्स को यूज किया जाता है, एक्सेस में जब इन पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, सो इट रिजल्ट्स इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इट रिजल्ट्स इन द सॉइल पॉल्यूशन. बहुत बेसिक चीज है, पता है भूमिका हमें, नहीं, ये वाला काम होता ही होता है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने नो डाउट ईल्ड को बहुत हद तक बढ़ाया, लेकिन जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी उतना ये नहीं कर पाई. और उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करूं बच्चे, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी अगर मैं बात करूं, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नो डाउट इट इज इको फ्रेंडली, यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ एनवायरमेंट को डैमेज नहीं किया जाता, ठीक है, इको फ्रेंडली तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं किया जाता, पॉल्यूशन नहीं किया जाता, बट स्टिल इसने भी यील्ड को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया. तो उसके बाद हमारे पास क्या बचते हैं, हमारे पास बचते हैं GMOs,
क्या बचते हैं हमारे पास? हमारे पास बचते हैं GMOs, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs, फाइन, GMOs. सो सुनंदेदा, जब ये वर्ड आ गया कि दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब इनमें जीन मैनिपुलेशन हो रखा है, मतलब हो सकता है कोई पर्टिकुलर जीन इंसर्टेड हो, कोई पर्टिकुलर जीन डिलीटेड हो, कोई फॉरेन जीन इंसर्टेड हो. दे आर ट्रांसजेनिक, राइट आरवा? व्हाट आर दे? दे आर ट्रांसजेनिक. ट्रांसजेनिक का क्या मतलब है यहां पर? ये ट्रांसजेनिक है. ट्रांसजेनिक का क्या मतलब है? ट्रांसजेनिक का ये मतलब है बच्चे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई और, राइट, किसी और स्पीसीज का कोई और फॉरेन जीन प्रेजेंट है. समझ आ गया? अब यही चीज हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार आंसर करो. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दे आर बेटर देन हाइब्रिड. कैन यू टेल मी हाउ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दे आर बेटर देन हाइब्रिड. कैन यू टेल मी हाउ? जल्दी. बताओ कैसे? हाँ, GMOs और हाइब्रिड में कैसे डिफरेंस है बच्चे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में तुम लोग अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो, राइट? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो जीन इंसर्ट करके बिल्कुल एक नया ट्रेट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइब्रिड, लेकिन जब हम लोग हाइब्रिड की बात करते हैं, ये कैसे बनता है? दो अलग अलग प्लांट्स या एनिमल्स, कुछ भी है, तुमने सुपीरियर क्वालिटी के सेलेक्ट कर लिए, है ना, तुमने सुपीरियर क्वालिटी के सेलेक्ट कर लिए, तुमने उन्हें हाइब्रिडाइज करवा दिया. हिमांशी, जो तुम्हारे पास F1 प्रोजेनी आएगी, उसमें नो डाउट दोनों के सुपीरियर ट्रेट्स होंगे, दोनों के बेटर ट्रेट्स होंगे, बट अलॉन्ग विद दैट अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी होंगे, है ना सुमन? अलॉन्ग विद दैट अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी होंगे. समझ रहे हो इस चीज को? सो ऑब्वियसली बात है, जब हाइब्रिड की बात करते हो तो दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल भी. लेकिन जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उनमें तुम्हारी मर्जी का जीन होगा, बाकी के डिलीट भी हो जाएंगे. समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई दे आर बेटर. और बायोटेक एग्रीकल्चर में इसी तरह से रोल प्ले करती है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, बीटी ब्रिंजल्स है, बीटी राइस है, उसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल्स देखी जाए तो हमारे पास गोल्डन राइस है, राइट, हमारे पास फ्लेवर सेवर टमाटो है. सो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर करके अलग अलग तरह से प्लांट्स और यहाँ तक कि एनिमल्स को तक मॉडिफाई किया है. कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मिल्क में तुम लोगों को इतने न्यूट्रिशियस प्रोटीन्स मिलेंगे विच आर वेरी गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ. कुछ जगहों पे कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पास इस तरह के प्रोटीन्स हैं उनके प्रोडक्ट्स में, इस तरह की चीज़ें हैं उनके प्रोडक्ट्स में, दैट दे कैन इवन ट्रीट द डिजीज लाइक एम्फिजीमा. समझ रहे हो? सो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. बिल्कुल सही कहा बच्चे सुरभि, वेरी गुड अंसारी बच्चे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, इस तरह से रोल आ गया. सो भाई, GMOs का क्या क्या एडवांटेज रहता है? हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारे जो भी क्रॉप्स हैं वो किसी भी तरह के स्ट्रेस से टॉलरेंट रहेंगे, सर्दी में भी सर्वाइव कर जाएंगे, माइट भी सूखे में भी, कहीं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पीएच का कोई भी इशू है, दे विल बी एबल टू सर्वाइव. उसके अलावा हमारी पेस्ट के हमारी जो पेस्टिसाइड्स का यूजेज है वो कम हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. हार्वेस्ट करने के बाद जैसे किसानों को टेक केयर करना पड़ता है कि अरे इसको ये वाला कीड़ा ना लग जाए, इसको इस तरह से कोई बीमारी ना हो जाए, वो सारी चीज़ें रिड्यूस की जा सकती हैं. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जो कि टॉलरेंट हो किसी भी तरह के स्ट्रेस के लिए. समझ रहे हो? बाकी के फर्टिलाइजर का यूज़ मिनिमल किया जाता है बच्चे, राइट बच्चे? सो यहाँ तक कि बायो फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है, दैट इज इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. समझ में आया? जैसे गोल्डन राइस अंसारी, ये जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए इनरिच्ड है. ये क्या है बच्चे हमारे पास? ये विटामिन ए इनरिच्ड है,
विटामिन ए से भरे हुए हैं. सो ऑब्वियसली बात है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस का इशू है, ऐसे केस में दैट्स अ वेरी गुड थिंग. समझ रहे हो? दैट्स अ, ठीक है, वेरी गुड थिंग. समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया? फाइन फाइन. चलो, सो ये देखो एग्जांपल्स. जैसे मैंने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, बीटी राइस भी है, गोल्डन राइस का एग्जांपल है, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट है, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास जीएमओज में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं. सो ये स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो. वन बाय वन हम लोग अलग अलग प्रोसीजर्स देखेंगे जिसके थ्रू हमने इसे बनाया है. ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. जैसे ये दे रखा है ना, बीटी कॉटन, अभी करेंगे इसकी पूरी फुल फॉर्म भी करेंगे, बीटी बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, राइट. ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, हर्बिसाइड टॉलरेंस है, इसमें हाई यील्ड है. ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो, ये जल्दी गलते नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, राइट. शेल्फ लाइफ ज्यादा है मतलब इसकी राइपनिंग, इस ये देर से पकता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बेटर है. गोल्डन राइस में बच्चे, एज आई सेड, विटामिन ए एनरिच्ड. पोटैटो बनाते हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट वाले. कॉर्न और ब्रिंजल, इंसेक्ट रेजिस्टेंट. समझ में आया? समझ में आया? सो इस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है इन पर्टिकुलर प्लांट्स की. सो अब बार बार जो हम ये वर्ड कर रहे हैं ना बच्चे, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, अब हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे. फाइन, इसी को डिस्कस करेंगे. किसको? बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. देखो, ये एक बैक्टीरिया है. यहाँ पे जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस की हमने बात की, ये क्या है बच्चे? ये एक बैक्टीरिया है. किस तरह का बैक्टीरिया है? किस तरह का बैक्टीरिया है? यू नो ना, बैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है रोड शेप्ड, माने सिलेंड्रिकल. ये पता है या नहीं पता है? हाँ जी, पता है या नहीं पता है? बैसिलस रोड शेप्ड मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, इसकी शेप इस तरह की है. So, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने लाइफ स्पैन में एक प्रोटीन बनाता है. किस तरह का प्रोटीन बनाता है ये? ये एक इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन बनाता है, राइट. ये एक इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन बनाता है, मतलब इस बैक्टीरिया से हमें इस तरह का प्रोटीन मिलता है जो कुछ एक इंसेक्ट्स को मार देता है, खत्म कर देता है. समझ रहे हो? खत्म कर देता है. अब बच्चे, जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं फिजा, हम लोग क्या करते हैं? जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है. 110% वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस्टिसाइड्स, राइट, द केमिकल्स, द केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेन वी आर टॉकिंग. ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, समझ रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को. जैसे मान लो कि मुझे भाई, मेरे क्रॉप्स को पेस्ट परेशान कर रहे हैं और मुझे उन पेस्ट को मारना भी है, तो मैं पेस्टिसाइड तो यूज करूंगी, पर कौन से वाला पेस्टिसाइड? बायो पेस्टिसाइड. कौन से वाला पेस्टिसाइड? बायो पेस्टिसाइड. बायो पेस्टिसाइड मतलब ये एक इको फ्रेंडली तरीका है. मैं किसी और ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी प्रोडक्ट को यूज करके कोई और पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करूंगी. समझ रहे हो? मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म को यूज करूंगी. सो इस तरीके से पॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये तो नॉर्मल फूड चेन है कि नहीं है? ये नॉर्मल फूड चेन है ना, इसमें पॉल्यूशन वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है. एक नॉर्मल फूड चेन है भाई, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, कोई किसी और पे डिपेंडेंट है. समझ रहे हो? किसी और पे डिपेंडेंट है. समझ रहे हो? सो बायो पेस्टिसाइड, क्या आ गया हमारे पास? बायो पेस्टिसाइड. सो ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस हमारा इसी तरह से मदद करता है. जैसे ऐसा भी किया जाता है बच्चे कि इस बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के सेशे मिलते हैं मार्केट में, समझ रहे हो, उसके स्पोर्स के सेशे मिलते हैं. उसको पानी में मिक्स करो, स्प्रे पे फील्ड, तुम्हारी फील्ड पे स्प्रे कर दो, तो जो जैसे तुम्हारा कॉटन प्लांट है या कोई कॉर्न है, राइट, तो उनके केस में जो पेस्ट है वो पेस्ट उन स्पोर्स को खा के मर जाते हैं. समझ रहे हो? मर जाते हैं. और यहाँ पे हम इस बैक्टीरिया को यूज करके, इसके इस प्रोटीन को बनाने वाले इस जीन को यूज करके हम लोग अपने क्रॉप्स को मॉडिफाई करने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पे किसकी बात आ गई? यहाँ पे बात आ गई बायोटेक की. किसकी बात आ गई यहाँ पर? यहाँ पर बात आ गई बायोटेक की. समझ में आया?
समझ में आया? सो ये जो बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस है, ये बैक्टीरिया एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन कह देते हैं. फाइन, बीटी टॉक्सिन. सो बीटी का मतलब ही है बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस. सो ये एक पीवाईक्यू है, इसको मार्क कर लो. फाइन, ये एक पीवाईक्यू है, इसको मार्क कर लो. सो अगर हमें जो भी तुम्हारे बीटी प्लांट्स है, कोई भी बीटी प्लांट्स है, उनके पास यही जीन, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का यही जीन प्रेजेंट है. फाइन, यही जीन प्रेजेंट है बीटी टॉक्सिन. फाइन, बीटी टॉक्सिन. सो ये हम क्या करेंगे, हम इसको इस बैक्टीरिया से ले लेंगे और इसको अपने क्रॉप में इंसर्ट कर देंगे. फाइन, सो जैसे ही मैंने ये वाला जीन अपने इस प्लांट में इंसर्ट किया, मेरा प्लांट क्या बन गया, बीटी प्लांट. ठीक है, ये हो गया हमारा बीटी प्लांट. अब इसको वो पर्टिकुलर पेस्ट तंग नहीं कर पाएगा. फाइन, इसको वो पर्टिकुलर पेस्ट तंग नहीं कर पाएगा. फाइन, सो अब इसमें है क्या, है क्या, अब जैसे कुछ स्ट्रेन्स इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, सम स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स. ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चे, they produce toxins to kill the pests that belongs to different orders. जैसे कि तुमने lepidopterans सुना है, lepidopterans, ये सारे arthropods ही हैं basically, coleopterans, हाँ lepidopterans, coleopterans, किस किस ने सुना है, ये lepidopterans आ गया तुम्हारे, coleopterans आ गया, इसके अलावा तुम्हारे dipterans. बच्चे ये तुम्हारे बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, उसमें जो क्लास इंसेक्टा है, ये उस इंसेक्टा के ऑर्डर्स हैं. राइट सुरभि, ये उस इंसेक्टा क्लास के क्या हैं, ऑर्डर्स हैं. सो जब तुम लोग लेपिडॉप्टरन्स की बात करते हो तो तुम्हारे पास आ जाते हैं बटरफ्लाइज, मॉथ्स. ठीक है, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर देयर. ये जो तुम्हारे डिप्टरन्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे फ्लाइज एंड मस्कीटोज इस ऑर्डर में आ जाते हैं. ठीक है, फ्लाइज एंड मस्कीटोज इस ऑर्डर में आ जाते हैं. ये जो तुम्हारे कॉलियोप्टरन्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे बीटल्स आ जाते हैं. बरसात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये, बरसात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये. सो ये कुछ इस बैक्टीरिया की कुछ एक स्ट्रेन्स, उनके पास ऐसे जीन्स हैं कि वो ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं जो इन ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं. राइट, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, टोबैको बडवॉर्म का एग्जांपल दे दिया मैंने, इस लेपिडॉप्टरन को ये खत्म कर देंगे. ठीक है बच्चे, उसके अलावा बीटल्स हो गए, फ्लाइज और मस्कीटोज आ गए. राइट, फ्लाइज और मस्कीटोज आ गए. समझ में आ गया फकीहा, इतना पॉइंट समझ में आ गया. सो अब यहां से ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये बैक्टीरिया इस तरह के एंडोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, सो ये बैक्टीरिया खुद से क्यों नहीं मरता, है ना? कि ठीक है मैम, यही सेम चीज हमने इकोलाय में भी पढ़ी थी. इसको रिलेट करो टॉपिक को, जैसे जैसे तुम लोगों को क्लैरिटी होती जाएगी एक टॉपिक की, जैसे जैसे तुम लोग उसको दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करोगे ना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा. जैसे हमने इकोलाय में पिछले चैप्टर में रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था. तो उस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी. फाइन, जैसे इकोलाय से ही जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट की थी, तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो इकोलाय में जो साइट्स हैं, जो क्लोनिंग साइट्स है, उसके खुद के डीएनए में जो साइट्स है, उसको क्यों नहीं कट करता. तो उसका क्या सॉल्यूशन था, मॉडिफिकेशन सिस्टम, मिथाइलेशन करना. सो यहां पर भी हिमांशी हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है. राइट, यहां पर भी हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है, और वो क्या है कि ये बैक्टीरिया इन टॉक्सिन्स को बनाता तो है, लेकिन किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में. किस फॉर्म में बनाता है बच्चे ये इसको, इनएक्टिव फॉर्म में. सो दैट इज व्हाई वी यूज टू कॉल देम एज प्रोटोटॉक्सिन्स. क्या बोलते हैं हम लोग उनको, प्रोटोटॉक्सिन्स. सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, इस क्लास के बाद एनसीईआरटी को रीड करना, लेकिन अभी के लिए इस टॉपिक को समझो. ऐसा नहीं है कि तुमने फोकस करना है कि ये सारे पॉइंट्स लिखने, मत लिखो, बाद में सेशन थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, तब नोट्स बना लेना, अभी इसको साथ के साथ समझो. सो ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस. लिखो जरा चैट बॉक्स में बेसिलस थ्योरिनजेनेसिस, फटाफट लिखो जरा इसको चैट बॉक्स में. सो ये जो तुम्हारा
बेसिलस थेरिनजेनेसिस है, क्या कर रहा है ये, एक टॉक्सिन बना रहा है, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, इसीलिए हमने उसको बोल दिया प्रोटोटॉक्सिन। सो ये बैक्टीरिया उसको रिलीज करेगा, पेस्ट इस पे फीड करेगा, पेस्ट की बॉडी के अंदर जाके ये खत्म करेगा, एक्टिव होगा और अपना एक्शन दिखाएगा। सो अब पहले समझ में आएगी बैक्टीरिया कैसे बना, बैक्टीरिया कैसे बना। सो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं। जैसे मान लो ये है, ये केमिकल्स, अब मेरे पास आया मेरा कीड़ा, कीड़ा हो गया हमारा खुश। अब चलो ठीक है, एक चीज इमेजिन करो, कौन सी स्पीशीज का है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब मैंने इसी जीन को आइसोलेट किया, अब मैंने इस जीन को इस पर्टिकुलर प्लांट में इंसर्ट कर दिया, फाइन। मैंने बैक्टीरिया के इसी जीन को उठाया और मैंने इसको जीन को उठा के इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया, फाइन, इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया मैंने। सो जब मैंने इसको इंसर्ट किया, वो मेरा कीड़ा बेचारा चला था कि चलो मैं कहीं तो मुझे कोई खाना दे दे, है ना, कहीं तो मेरी कोई पार्टी हो जाए, सुर भी वो बेचारा कीड़ा इसी ख्याल से चला था। तो वो बेचारा घूमता 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 आया 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 कि चलो आज पार्टी का टाइम हो गया, तो आज मेरे को मौका मिल रहा है किसी अच्छे से प्लांट को डैमेज करने का, ठीक है, इसको अच्छे से खाने का। अब मैंने तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, अब जैसे ही इस कीड़े ने इन पत्तों को खाना शुरू किया, राइट, इन पत्तों को खाना शुरू किया, अब भाई तुम्हें तो पता ही है इन पत्तों के पास एक स्पेशल जीन था, उस स्पेशल जीन में वो प्रोटीन था। सो अब भाई ये जैसे ही ये इंसेक्ट, ये जो हमारा कैटरपिलर है, इसने जैसे ही इसको खाया, अब इसकी बॉडी के अंदर, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसी पीएच थी कोई बताएगा? अब जैसे ही टॉक्सिन इसने खाया तो इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सोल्यूबलाइज, सबसे पहले क्या होगा, सोल्यूबलाइज। जैसे ये लो, मान लो ये था पत्ता, ये भाई हमारा इस पत्ते को खा गया, खा गया तो इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये सब कुछ घुल जाएगा, सोल्यूबलाइज हो गया, सोल्यूबलाइज हो गया। अब जैसे ही इसने खाया, इसके गट में ये एंटर किया, अब इसके गट में क्या है, राइट, इस इंसेक्ट के, इस इंसेक्ट पेस्ट के गट की पीएच है एल्केलाइन। इंसेक्ट पेस्ट के गट की पीएच क्या है, पीएच इज एल्केलाइन, बेसिक पीएच, कैसी पीएच है, बेसिक पीएच है, एल्केलाइन पीएच है। सो जैसे ही क्रिस्टल अंदर गया, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद, क्योंकि गट की पीएच कैसी है, एल्केलाइन, बच्चे यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लिख लो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, गट की पीएच एल्केलाइन है। अब एल्केलाइन पीएच इस टॉक्सिन के लिए ट्रिगर की तरह काम करेगी, वो एक्टिव हो जाएगा, फाइन। उस टॉक्सिन को यही कंडीशन चाहिए थी कि मेरे को, भाई साहब मेरे को एल्केलाइन पीएच लाके दो, और जैसे ही इसको एल्केलाइन, जैसे इसको बेसिक पीएच मिलेगी, सो प्रोटोटॉक्सिन विल बिकम एक्टिव, प्रोटोटॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव। और जैसे ही ये एक्टिव हुआ, अब क्या करेगा, कैसे मारेगा इस कैटरपिलर को, राइट, जैसे होता ना तड़पा तड़पा के मारना किसी को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे प्लांट को खा कैसे लिया, वैसा करते हैं हम लोग इंसान, हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए और इन इंसेक्ट्स को मारने के लिए बहुत बेरहमी से मरेगा ये बेचारा, बहुत बुरी तरह से, कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस प्लांट को खाने की। और वो क्या होगा, जैसे ये प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव हुआ, अब ये इसके मिड गट एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा। रुक जाओ, जैसे लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास ये कुछ एक सेल्स हैं, अब ये टॉक्सिन, ये एक्टिव टॉक्सिन यहाँ मिड गट एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर जाएगा। टॉक्सिन विल बाइंड टू द सेल्स ऑफ मिड गट एपिथेलियल एंड विल रिजल्ट इन परफोरेशंस, और उसके बाद क्या करेगा, इन सेल्स में पोर्स क्रिएट कर देगा, राइट, विल रिजल्ट इन परफोरेशंस। अब तुम अपने आप देखो सलोनी, अब ये मिडगट एपिथीलियम में जैसे पोर्स क्रिएट हो गए, सुमन पोर्स क्रिएट हो गए, क्या ये कुछ खा पाएगा? अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, मिडगट एपिथीलियम हमारा आ गया, हमारा ये पूरा सिस्टम में क्या हो रहा है, खाना टूट रहा है, एंजाइम्स बन रही है, खाना टूट रहा है, खाना फिर उसके बाद अब्सॉर्ब होगा। अब इसके जब मिडगट एपिथीलियम में परफोरेशंस क्रिएट हो गई, जन्नत बच्चे पोर्स क्रिएट हो गए, तो ये बेचारा स्टारवेशन से मर नहीं जाएगा,
भूख से मर नहीं जाएगा? हाँ, भूख से मर नहीं जाएगा, जल्दी बताना, फटाफट फटाफट फटाफट। एक्टिवेटेड टॉक्सिन जैसे ही मिडगट एपिथेलियल सेल से जुड़ा, परफोरेशंस उसने की, अब उन पोर्स के क्रिएट करने के बाद सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर अंदर एंटर करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल, इट विल रिजल्ट इन द लाइसिस। फाइन, सो इन परफोरेशंस के बाद सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस हो गई एंड फाइनली बच्चे क्या होने वाला है, सेल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द इस पूरे इंसेक्ट की डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन। किसकी वजह से? स्टारवेशन मतलब बेचारे भूख से मर गया ये। किससे मर गया ये? भूख से मर गया। फाइन, भूख से मर गया। सो यही सारी चीज चलती है, इसी जीन को हमने उठा के अपने क्रॉप्स में डाला, राइट? जिस भी पेस्ट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक टॉक्सिन लिया, काम खत्म। फाइन, काम खत्म, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है? श्योर। सो अब इस टॉक्सिन को बनाने वाले कई जीन है। सो टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जीन क्राई, राइट? इसका नाम जिसने भी रखा है ना क्राई, बहुत सोच के रखा है ये बेचारा। उन पेस्ट को रुलाई तो रहा है, उनको मार रहा है, भूखा मारेगा फिर उन्हें मार देगा, समझ रहे हो? सो टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीन क्राई। सो जीन का एक नॉमनक्लेचर है बच्चे, तुमने इसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इटैलिक्स में तुम्हें दिखता है ना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। सो ये जो क्राई जीन है ये बनाता है क्राई प्रोटीन। सो प्रोटीन, तुमने प्रोटीन के केस में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहेगा, लेकिन जीन के केस में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। सो क्राई जीन क्या बनाता है हिमांशी? क्राई प्रोटीन बनाता है। क्राई जीन क्या बनाता है? क्राई प्रोटीन बनाता है। समझ में आया? समझ में आया? सो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोई बता सकता है? क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 एबी, किस किस को याद है ये? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार क्वेश्चन है, मतलब हर साल यहीं से ही क्वेश्चन उठेगा मोस्टली। क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी, और उसके बाद हमारे पास क्या है? क्राई 1 एबी। हां जी, याद है कि नहीं है? क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी एंड क्राई 1 एबी, ये एग्जांपल्स दे रखी है हमारे पास जीन की। हमारी एनसीईआरटी दीदी में ये जीन्स की एग्जाम्पल दे रखी है हमारे पास, पता है तुम्हें हमेशा। और ऐसा नहीं है कि इन बैक्टीरिया के पास सिर्फ यही जीन है, बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं जो अलग अलग तरह के इन टॉक्सिन्स को बनाते हैं, और उसके अलावा वो अलग अलग तरह के पेस्ट को टारगेट करते हैं। तुम्हें पता है कई जो कई सारे पेस्ट को टारगेट करते हैं, जैसे कि ऐसा भी है कि कुछ नेमाटोड्स को भी टारगेट कर ले, ऐसा भी है कि कुछ बीटल्स को भी टारगेट कर ले। सो बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ आ जाती हैं। सो हमारे पास क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 एबी और दूसरा है क्राई 1 एबी। सो ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म्स को, कॉटन बॉलवॉर्म्स को। और ये किसको कंट्रोल करता है? ये करता है कॉर्न बोरर्स को। फाइन, कौन? बोरर को। समझ में आ गया? ये एग्जांपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। फाइन, सो क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी कॉटन वॉलबॉम, क्राई 1 एबी कॉर्न बोरर। सो अब अपने आप देखो कि जो बीटी कॉटन होगा, राइट, जो बीटी कॉटन होगा, उस बीटी कॉटन में अगर क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 एबी के जीन्स है, सो ऑब्वियसली जो कॉटन बॉलवॉर्म है, जो जब उसको डैमेज करने आएगा कॉटन के प्लांट को, तो वो नहीं कर पाएगा और हमें मैच्योर राउंडेड से कॉटन्स मिलेंगे। फाइन, प्रॉपर एक मैच्योर बॉल मिलेगा। क्राई 1 एबी कॉर्न के केस में, सो कॉर्न के केस में जब इंट्रोड्यूस किया, हमारे पास बीटी कॉर्न आ गया, राइट? जो कॉर्न बॉरर है वो उसको तंग नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से ये पूरा काम करता है। समझ में आ गया? ठीक है। सो ये दो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राई जीन को कैसे लिखा गया है? क्राई जीन को लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में, क्राई प्रोटीन में, प्रोटीन के केस में सी विल बी द कैपिटल। सो ये इतना पार्ट तुम्हारे लिए जरूरी है। सो किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। सो ये देख लो, बेसिलस थियोरिनजेनेसिस प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगा जो लेपिडोप्टरन, कोलियोप्टरन, डिप्टरन को खत्म कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फाइन, सी दिस, दिस इज द बैक्टीरिया एंड दीज आर द जीन्स हियर। सो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंडोटॉक्सिन्स। फाइन, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंडोटॉक्सिन्स। सो एनी डाउट हियर? और इट विल रिजल्ट इन दिस मैच्योर कॉटन बॉल, अ फुली मैच्योर कॉटन बॉल।
सो ये तुम लोग देख सकते हो बच्चे, ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में भी, सी दिस इन द एनसीईआरटी. सो यहीं से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, कि सबसे पहले इन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज के बारे में बात किया जाता है, और उसके बाद एग्रीकल्चर में जब हम एप्लीकेशंस देखते हैं. सो हमें पता है कि फूड प्रोडक्शन को एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब इन फर्टिलाइजर्स का यूज करके, इन पेस्टिसाइड का यूज करके बढ़ाया गया है. फिर ऑर्गेनिक कल्चर मैंने तुम्हें बता दिया, इको फ्रेंडली तरीका, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज किए. फिर हमारे पास आ गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. सो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेटर है. सो बेटर टॉलरेंस रहेगा. और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे, कि अगर तुमने मान लो एक क्रॉप में जीन मॉडिफाई कर दिया, सो अब वो क्रॉप आगे जब सीड्स बनाएगा, उन सीड्स को प्रोपेगेट कर लिया जाएगा. राइट, उन सीड्स को प्रोपेगेट कर लिया जाएगा. समझ आ रही है? सो उसके बाद ये बीटी शॉर्ट फॉर्म किस लिए, बेसिलस थियोरेंजेनेसिस के लिए. सो ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस कर दिया है, और इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, इतने पोर्शन को. ठीक है, इतने पोर्शन को एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना. अब आज के लिए हम लोग इतना करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस का टॉपिक कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. फाइन. सो अब ये बताओ, ये जो क्राई वन है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, एंडोटॉक्सिन्स. हाँ, क्राई वन, ठीक है. क्राई वन एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिलस थियोरेंजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट. Yes, they are effective against. हाँ जी मैम, मेरी बात सुनो. हाँ जी बताओ जी, क्या बात है? Obviously, bollworms. Right, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास यही genes हैं. ये genes, ये अलग 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 तरह के organism को, अलग अलग तरह के organisms के against अलग अलग तरह के toxins बनते हैं, तो अलग अलग genes भी available है. कुछ बैक्टीरियाज में नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के भी जीन्स भी अवेलेबल है. हाँ जी बोलो भाई. अब इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू. बताओ जरा इसे. सो इट इज द एल्केलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट. Fine, it is the alkaline pH of the insect gut. बाकी बच्चे ये है एक लव्य की डिटेल. इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. पेपर की डेट 4 दिसंबर और 11 दिसंबर है. ठीक है, और इसी टेलीग्राम के ग्रुप में, वो तो ये तो हमारे चैनल का टेलीग्राम है जहां हम लोग PDF प्रोवाइड कर देते हैं. तो वो एक लव्य का टेलीग्राम चैनल है जहां पे तुम्हें टेस्ट का लिंक, सारी डिटेल्स आ जाएंगी. टेस्ट के बाद जब भी तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और तुम्हारे अच्छे मार्क्स की अवॉर्डिंग ही तुम्हें एकलव्य बैच में इनरोल किया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है एकलव्य बैच में. सो अपने जूनियर्स को भी इसके बारे में बताना, अपने क्लासमेट्स को भी इसके बारे में बताना. ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, तुमने बता दिया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी और का हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अगर तुम भी डिजर्विंग हो और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई जूनियर भी डिजर्विंग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, तुम इस पेपर के लिए अपेयर हो सकते हो. तुम ड्रॉपर हो, तुम इस पेपर के लिए अपेयर हो सकते हो. बट प्लीज गो फॉर इट. फाइन, गो फॉर इट. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और चैट सेक्शन में जरूर बताना ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, और इंडिया में या ओवरऑल इनके कौन कौन से फादर्स हैं. फाइन. सो थैंक यू सो मच. टाटा.